हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक। आज मैं आपको दिवाली के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिया होल्डर बनाना सिखाऊंगी। सो इस दिया होल्डर को बनाना बहुत इजी है एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। सो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम इसके ऊपर इस तरीके से अपने दिया को रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप देख सकते हैं कितना हैवी वर्क है ये एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड इसे बनाने की प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की एक ग्लास चाहिए। आप किसी भी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। देन हमें चाहिए इस तरीके की हैवी वर्क लेस। ये देख सकते हैं मैंने इसकी 3 स्ट्रिप्स कट की है अपनी ग्लास को कवर करने के लिए। देन हमें चाहिए 2 कलर्स के पॉम्पॉम्स, रेड एंड येलो। मैं इसे रेड एंड येलो पॉम्पॉम्स की मदद से डेकोरेट करूंगी। देन हमें चाहिए 2 टाइप्स के कार्डबोर्ड। एक जो इसका टॉप मोस्ट कार्डबोर्ड है वो मैंने इसकी टॉप की लेयर के हिसाब से कट किया है। तो इस कार्डबोर्ड को कट करने के लिए आप अपने ग्लास के टॉप पोर्शन के लेयर के हिसाब से इसे ऐसे कट कर लीजिए। एंड देन मैंने यहाँ पर एक सर्कल कट किया है जो मैं इसके नीचे की तरफ पुटअप करूँगी। देन हमें चाहिए कि बॉल चेन। पेस्टिंग वर्क के लिए फैब्रिक ग्लू, आप ग्लूगन या फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं एंड सीजर फॉर कटिंग। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लेस की स्ट्रिप को अपनी ग्लास के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से ग्लू अप्लाई करूँगी। इस तरीके से हमें पूरे पोर्शन में ग्लू अप्लाई करना है। एंड अब उसके बाद मैं अपनी लेस को इस तरीके से अप्लाई करूंगी। आप किसी भी हैवी वर्क लेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैं जो हमारा कुछ पोर्शन है उसे इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। तो ये इस तरीके से हमारा कवरिंग हो गया है। अब इसी तरीके से हमें बाकी के 2 स्ट्रिप्स को भी अप्लाई करना है एंड हमारी ग्लास को कम्प्लीटली कवर करना है। तो इस तरीके से हमने हमारी ग्लास को कम्प्लीटली कवर कर लिया हमारी लेस के स्ट्रिप्स लगा के। अब हम इसके ऊपर अपने कार्डबोर्ड्स को अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा ये कार्डबोर्ड अप्लाई करेंगे जो हमने हमारी ग्लास के टॉप पोर्शन के अकॉर्डिंग लिया था। तो इसके लिए हम ग्लास पे इस तरीके से ग्लू लगाएंगे एंड देन उसके बाद अपने इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हमें इस अपने ग्लास के नीचे के पोर्शन पे भी ग्लू लगाना है। इस तरीके से हमें इसके नीचे के पोर्शन पे ग्लू लगाना है एंड अपना कार्डबोर्ड भी इंसर्ट करना है। अब हम इसे ड्राई होने देंगे। तो हमने इसका इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपने कार्डबोर्ड्स को पेस्ट करके। अब हम इसे हमारे पॉम्पॉम्स की मदद से डेकोरेट करेंगे। तो हम इसके नीचे के पोर्शन को डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लू अप्लाई करेंगे एंड एक एक पॉम्पॉम इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हमें अपने पॉम्पॉम्स को अप्लाई करना है। आप पॉम्पॉम्स के कलर्स अपनी लेस के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से हमें कंप्लीट सर्कल में अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमने हमारे पॉम्पॉम्स को अप्लाई कर लिया एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है। अब हम इसके टॉप पोर्शन पे बॉल चेन की एक लाइन देंगे इसके कॉर्नर्स से। तो ये हमारा इस तरीके का दिया होल्डर बिल्कुल रेडी हो गया। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैंने 2 दिया होल्डर्स बनाया है मेरे गेट के साइड्स पे लगाने के लिए। तो आप इस तरीके का 2 का एक पेयर बनाइए, ये बहुत सुंदर लगता है। तो अब मैं अपने दियास को इनके ऊपर रख देती हूँ। ये मेरा एक दिवाली का स्पेशल वीडियो था। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले जाए। और अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। मैंने नवरात्रि से रिलेटेड भी बहुत से वीडियोस दिए हैं एंड दिवाली से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किए हैं।
So please keep watching and don't forget to like, share and subscribe. So thanks for watching. Bye and happy Diwali to all of you.